हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एजुकेशन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम के बारे में। एज यू कैन नो, जैसा कि आप सब जानते हैं, स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम और विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मेन डिफरेंस यही होता है कि जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स होते हैं वो नॉइज़ क्रिएट करते हैं, नॉइज़ ड्यू टू कंप्रेशर। तो हम स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जो कंप्रेशर, कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब है उनको एक डिपार्टमेंट में रूम से बाहर रखते हैं। इसीलिए जो स्कूल्स, ऑडिटोरियम और जो हॉस्पिटल्स हैं उनमें जो दीवार पे लगे स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हैं वो नॉइज़ लेस होते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं। मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये ऊपर की तरफ मैंने एक रूम दिखाया है जिसमें स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगा है। जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम की जो बॉडी होती है उसी में इवेपोरेटर कॉइल को रखा जाता है। बाकी बाहर की तरफ जो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का कंपोनेंट या कंपार्टमेंट जिसमें कंप्रेशर, कंडेंसर और कैपिलरी ट्यूब रखे जाते हैं, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक नॉइजलेस ऑपरेशन है जिसमें आवाज़ बिल्कुल भी नहीं होती। सभी यूनिट्स का काम वही रहता है जो विंडो एयर कंडीशनिंग सिस्टम में था। जैसे इवेपोरेटर कॉइल हीट को एब्जॉर्ब करती है, यानी सराउंडिंग या रूम से हीट को एब्जॉर्ब करती है या हीट को लेती है। मिनिमम टेम्परेचर जो इवेपोरेटर कॉइल प्रोड्यूस कर सकती है वो है 16 डिग्री, यानी 16 डिग्री सेंटीग्रेड। कंप्रेशर जो वेपर रेफ्रिजरेंट है, जो ई वेपरेटर कॉइल से जो वेपर रेफ्रिजरेंट आता है उसे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? कंप्रेशर करता है। कंप्रेशर के जस्ट बाद कंडेंसर लगा है। कंडेंसर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर वेपर रेफ्रिजरेंट को हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड रेफ्रिजरेंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। कंडेंसर के जस्ट बाद आप देख सकते हो कैपिलरी ट्यूब्स लगी है। कैपिलरी ट्यूब्स कॉन्स्टेंट एंथैल्पी पे काम करती है। ये सिंपल वेपर कंप्रेशन सिस्टम में एज ए एक्सपांडर, एज ए टर्बाइन की तरह यूज की जाती है। ये सिर्फ हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लिक्विड को लो प्रेशर, लो टेम्परेचर लिक्विड में कन्वर्ट करने का काम करती है। तो स्प्लिट एयर कंडीशनिंग सिस्टम में मेन यही था। बाकी आप सब जानते हैं, जैसे कि मेरी पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ, इवेपोरेटर और कंडेंसर दोनों कांस्टेंट प्रेशर डिवाइस है, यानी दोनों कांस्टेंट प्रेशर पे काम करते हैं। कंप्रेशर में जो कंप्रेशन होता है, यानी हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर जो ये प्रोड्यूस करता है वो आइसेंट्रॉपिक होता है। इसमें दो प्रोसेस आइसेंट्रॉपिक होते हैं और दो प्रोसेस आइसोबारिक होते हैं। यानी एक बात, आइसेंट्रॉपिक कंप्रेशन होता है कंप्रेशर में, कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होता है कंडेंसर में। आइसन एंथैल्पिक यानी कॉन्स्टेंट एंथैल्पी रहती है कैपिलरी ट्यूब में, और कॉन्स्टेंट प्रेशर हीट एडिशन होता है, यानी हीट एब्जॉर्प्शन होता है इवेपोरेशन में। तो ये सब इसकी वर्किंग है। आप इसको पढ़िएगा और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आप कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपकी वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।